तो चालू करूँगा मैं सीट निकालने के साथ। ये सीट निकालने के लिए आपको 6 स्क्रूज निकालने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सुजुकी एक्सेस का स्पार्क प्लग कैसे रिप्लेस करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा ये 2 एलन की के बोल्ट जो इधर है। बाद में मैं निकालूंगा ये स्क्रूज जो ये सीट के कोने में है। बाद में इधर स्टोरेज स्पेस में 2 बोल्ट रहते हैं, वो आपको निकालने हैं ऐसे। अब ये सब बोल्ट निकालने के बाद आपका सीट सीधा बाहर आएगा। अभी सीट बाहर निकालने के बाद आपको ये प्लग कनेक्शन जो है वो छोड़ना है स्पार्क प्लग से। इधर मैंने छोड़ा स्पार्क प्लग का कनेक्शन। और बाद में ऐसा टूल आपके टूल बॉक्स में ज़रूर रहेगा, ये हर एक मोटरसाइकिल के साथ आता है। तो ये सॉकेट आपको स्पार्क प्लग के होल में डालना है और अच्छा ग्रिप लिया तो देखना है। बाद में आपको चाहिए 17 mm का सॉकेट जो इसके ऊपर से लगेगा, और बाद में इसको ऐसे लूज करके निकालना है। तो ये निकला आपका स्पार्क प्लग। इसको चाहे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्लीन करके वापस डाल सकते हैं। अब मैं इसकी क्लीनिंग करूँगा। इधर आपको एक सैंड पेपर लेना है और स्पार्क प्लग के एजेस को अच्छी तरह से सैंड करना है। आपका जो स्पार्क प्लग का गैप रहता है वो भी ऐसा सैंडिंग कीजिए, अच्छा क्लीन कीजिए। मेरा इधर पूरा काला हो गया था। अभी इधर मेरा स्पार्क प्लग क्लीनिंग करके हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। इसको प्लग में ऐसे डालिए और बाद में आपको चालू करके देखना है इसमें स्पार्क आता है या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा अच्छा स्पार्क आ रहा है। तो अब मैं इसको निकालूंगा। इधर मैं और एक टेक्निक आपको बोलना चाहूँगा। इधर इसमें आप थोड़ा सा पेट्रोल डाल के आग लगा के थोड़ा बर्न कर सकते हैं ताकि अंदर जो कुछ भी है वो क्लीन हो जाए। अब मैं इसको सॉकेट में डालूंगा और फिर से खोल के अंदर इंजन को लगाऊंगा। बाद में 17 mm सॉकेट लेके आपको इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो इधर मेरा स्पार्क प्लग डाल के हो गया है। अब मैं इसका प्लग का कनेक्शन वापस दूंगा और अब मैं गाड़ी चालू करके देखूंगा ये चालू होता है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाए मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए। और आपने अभी तक मेरे कितने वीडियो देख के कुछ पैसे बचाए तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी ये सुन के। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।